जहां देश आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं अब सरकार की पहल है कि आजादी के वक्त देश के बंटवारे में जो पलायन व निरीशांस हत्याएं हुई थी उस पर विस्तार से चर्चा व मंथन हो सके, उसे लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में बंटवारे के वक्त जो कुछ हुआ था उस पर आम जनमानस एक उसकी हकीकत पर पहुंचे। जो दर्द आपने और हमने अपने पूर्वजों से सुने हैं, अब उस पर एक विस्तृत अध्ययन कर शैक्षिक विषयों में उसे दर्ज किया जा सके, इसकी पहल के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में मंगलवार को कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद शंकर लालवानी ने हिस्सा लिया और सरकार के कार्यक्रम की विस्तृत रूप से जानकारी दी। वहीं कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ निर्मल जिंदल ने भी बंटवारे के वक्त अपने परिवार के सदस्यों का दर्द बयां किया और कहा कि सरकार की इस पहल में बंटवारे के वक्त कई अनकहे अनसुने तथ्य सामने आए हैं। मैं उन जनरेशन से बिलोंग करती हूँ जब हमारे पेरेंट्स ने पार्टीशन को विटनेस किया था। हमने बहुत सारे हॉरर स्टोरीज सुने हमारे ऊपर, हमने उसको पास ऑन नहीं किया नेक्स्ट जनरेशन को। फ्रेंकली स्पीकिंग एंड लाइक जेन्युइनली स्पीकिंग विद ग्रेट विजडम आई एम टेलिंग यू कि हमने आगे की जनरेशन को वो बिकॉज वो हमारे नहीं थे, हमारे पास स्टोरीज थे। बट आई थिंक दैट वी आर इन द वी आर सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव एंड एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे और हम हमेशा कहते हैं कि हमने नॉन वायलेंस से आजादी जीता। बट वी फॉरगेट दैट व्हेन वी गॉट दिस इंडिपेंडेंस इट वाज नॉट फ्री फ्रॉम वायलेंस, इट वाज एकॉम्पनीड विद लॉट ऑफ वायलेंस। इट वाज सच अ इट वाज आई थिंक द ब्लडीएस्ट एंड द मोस्ट ट्रॉमेटिक हिस्ट्री द पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट 20 लाख लोग मर जाते हैं, 2 करोड़ के लोग कंप्लीटली डिस्प्लेस हो जाते हैं हमेशा के लिए। आप सोचिए कि आपने कहा कि हमने मिलजुल के आजादी ली, आपने कहा कि हमने नॉन वायलेंस से आजादी ली, तो फ्रॉम वेयर दिस स्टेटमेंट केम। और मैं बहुत बार एक बात सुनी थी कि कुछ लोगों के अहंकार के लिए देश को बांट दिया और कुछ लोगों के व्यक्तियों के अहंकार के लिए देश को बांट दिया और नजारा शर्मनाक था, भाई के भाई को काट दिया कि और ये जो है हम सोचते हैं कि मेरे को जो मैंने एक इंसिडेंट जो आई थी मुझे याद है और मेरे पेरेंट्स मेरे को अक्सर सुनाया करते थे क्योंकि मेरे पेरेंट्स पंजाब से आए थे। मेरे दादाजी का घर था फिरोजपुर में, लाहौर में बिजनेस था और उसके बाद मेरे डैड भी लाहौर यूनिवर्सिटी से जब बीएससी करने के बाद कुछ नहीं बचा या दादा के साथ बिजनेस ज्वाइन किया तो नेहरू जी ने पिलानी यूनिवर्सिटी में सबको कहा कि आगे बिना डिग्री के सबको एडमिशन दिया। वहाँ से डैड ने टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट थे, फिर यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। वहाँ से हिस्ट्री शुरू होते कि कितना पैलेशियस हाउस, इतना अपना वेल्थ और प्रोस्पेरिटी और ये सब छोड़ के एक छोटे से अकोमोडेशन से उन्होंने किराए के घर से द्वार नगर से अपना फ्यूचर शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष लाल किले से जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने 2 बातें कही थी। एक तो ये जो वर्ष है ये आजादी का अमृत महोत्सव है, यानी 75 वर्ष हो गए आजादी को और हम अमृत महोत्सव पूरे वर्ष मनाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही थी कि जो 14 अगस्त को विभाजन की विभिषिका है, ट्रेजेडी है, उसका भी उन्होंने जिक्र करा था। जैसे कि प्रिंसिपल मैम ने बताया कि उनके और उनके परिवार के जो अनुभव थे, मेरे परिवार के भी अनुभव थे। मेरे फादर भी सिंध से माइग्रेट होकर यहाँ आए थे, पर हम जब उनके मुंह से जब वहाँ की बातें सुनते थे और वहाँ के हालात की जानकारी लेते थे तो दिल कांप जाता था कि किस परिस्थितियों में उस समय के हालात रहे होंगे। आप बताइए कि रातों रात रेडियो पे, उस समय तो टेलीविजन भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं थे, उस समय सिर्फ एक ही माध्यम था रेडियो, और रेडियो पे ये अलाउंस हो जाए कि इस देश का विभाजन हुआ और एक कम्युनिटी यहाँ से वहां जाएगी, दूसरी कम्युनिटी वहां से यहाँ आएगी, ये बोलना बहुत सरल है, लेकिन जिन लोगों ने भुगता है वो बता सकते हैं क्या प्रकार किस प्रकार के हालात थे। अंग्रेजों ने बैठ के और उस समय जो लोग थे उन्होंने बैठ के एक लकीर बना दी और उस लकीर में आधा कश्मीर उधर गया, आधा कश्मीर इधर रहा, आधा पंजाब उधर रहा, आधा पंजाब इधर रहा, बंगाल के भी हिस्से हुए, लेकिन जो सिंध है सिंध पूरा का पूरा
पाकिस्तान में रह गए। 75 वर्षों में देश के, भारत देश के किसी प्रधानमंत्री ने इसे रेखांकित किया? सभी लोग इस बात को महसूस कर रहे थे, सभी लोग जान रहे थे, लेकिन रेखांकित करने का जो मादा है, जो चिंतन है, जो एक भाव है, वो सभी में नहीं था, वो आदरणीय मोदी जी में था। तो आदरणीय मोदी जी ने इसे रेखांकित किया और सारे देश के उस नौयुवा पीढ़ी को ये बताने का प्रयास किया कि देश की आज़ादी में हर समाज ने योगदान दिया, लेकिन उस आज़ादी के उपरांत देश एक तरफ स्वतंत्र हुआ तो एक तरफ विभक्त भी हो गया, तो ये क्यों बटा? और अपना ही देश है, अपनी भूमि है, हम अगर अपने आने वाली पीढ़ी में, अपने परिवार में ही अगर विभाजन होता है तो क्या हम चुप हो जाते हैं क्या? एक एक बच्चे को पता होता है कि किस सदस्य ने रोल प्ले किया और क्यों रोल प्ले किया। तो ये तो देश की बात है। तो देश की युवा पीढ़ी को, आगामी पीढ़ी को, यदि हम इसे रेखांकित नहीं करेंगे, इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे, तो कौन बताएगा?